क्लस्टर स्कीम में 1000 स्टैंडर्ड फ्लोर की बसों को लाने के फैसले पर दिल्ली हाई कोर्ट से झटका मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने यू टर्न ले लिया है। अब दिल्ली सरकार 500 लो फ्लोर बसें डीटीसी में लाने की प्लानिंग कर रही है। स्टैंडर्ड फ्लोर बसें बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों के लिए असुविधाजनक होने के कारण रणनीति में बदलाव करना पड़ा। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की अध्यक्षता में 25 जून को डीटीसी बोर्ड की मीटिंग होनी है, जिसमें 500 लो फ्लोर बसों की खरीद पर मोहर लगने की तैयारी कर ली गई है। बता दें कि पहले सरकार ने डीटीसी और क्लस्टर दोनों में स्टैंडर्ड फ्लोर बसों को लाने की घोषणा की थी। डीटीसी में करीब 8 साल बाद नई बसों को लाने के लिए खरीद प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दिल्ली में फिलहाल 3781 लो फ्लोर बसें हैं। इनमें से 2506 नो एसी और 1275 एसी लो फ्लोर बसें हैं। हिमानी उप्रेती की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।